दोस्तों, जब हम दुआ मांगते हैं, जब अल्लाह ताला के सामने हम हाथ उठाते हैं, तो हमारी क्या कैफियत होनी चाहिए? हम किस लहजे के अंदर अल्लाह ताला से बात करते हैं, अल्लाह ताला को अपने दुखड़े सुनाते हैं, अल्लाह ताला से हम अपनी चीज़ों के बारे में जो तड़पते हैं, जो परेशान होते हैं, अपनी परेशानी को अल्लाह ताला के सामने जो रखते हैं, वो किस लेवल की होनी चाहिए? आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत छोटी सी वीडियो है। एक भाई जो कि अल्लाह ताला से हाथ उठा के दुआ मांग रहे हैं, और वो कितना कांप रहे हैं, मतलब उनकी शिद्दत देखिए, अल्लाह ताला से मांगने के टाइम कितनी ज़्यादा उनके अंदर शिद्दत है। और धीरे से किसी ने उनकी वीडियो बना लिया ताकि हमें ये पता चल सके कि हाँ, जब हम भी देखें तो हमें ये समझ में आए कि हम अल्लाह ताला से जब मांगें तो दुनिया से हम पूरे कट जाएं, और सिर्फ उस टाइम हमें अल्लाह ताला याद रहे, हमें अल्लाह ताला की वहदानियत याद रहे, हमें अल्लाह ताला की कुदरत याद रहे, और सिर्फ हम उससे मांगे जो कि देने वाली ज़ात है। अल्लाह ताला के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप जो चाहें अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। यही तो अल्लाह ताला की कुदरत है, यही तो अल्लाह ताला की शहंशाही है। अल्लाह ताला के सामने रो, मांगो, तड़पो, उसे दिखाओ तुम लाचार हो। और जाहिर सी बात है, हम लाचार ही, अल्लाह ताला के बिना हम क्या हैं। हमारे पास अगर खरबों रुपये भी हैं तो अल्लाह ताला के सिवा वो कोई कुछ नहीं हमारा ना बिगाड़ सकता है ना बना सकता है। अल्लाह ताला ने ही दिया है, अल्लाह ताला ही कभी कभी छीन लेता है, कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए। प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।